सो यो व्हाट्स अप बडी, माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड यू आर वाचिंग गेमिंग बास। सो भाई क्या हाल चाल है यार, मुझे उम्मीद है गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट दोनों के सर्वर को कल से किया जा रहा है ऑफलाइन। मीन सर्वर को टोटली क्लोज कर दिया जा रहा है इंडिया के लिए और कल से गेम अपना बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। और मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ्स दिखाऊंगा विथ प्रूफ्स और समझाऊंगा। और बहुत ही बुरी न्यूज़ निकल कर आ रही है सभी पबजी एंड पबजी लवर के लिए। लेकिन हाँ ट्रूथ है, तो अब मेरे को तो बताना मेरा काम है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। मैं खुद भी इसके सपोर्ट में नहीं हूँ क्योंकि जो भी हुआ वो गलत हुआ। मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले जब बैन हुआ था तभी मैं आपको बता दिया था और अब भी मैं यही कहूँगा कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें पहले समझाता हूँ कैसे क्या हुआ और कैसे मैं कह रहा हूँ कि कल से ऑफलाइन होगा और हो भी रहा है, सर्वर को ऑफलाइन कर दिया जाएगा इंडिया के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली गाइस आज थोड़ा भी मूड नहीं हो रहा है मेरा इंट्रो लगाने का और लगाना भी नहीं बनता बिल्कुल गाइस, क्योंकि मायूसी उदासी कोई खुशी नहीं कि मैं आज इंट्रो को यूज करूँ। और साथ में गाइस मेरी वॉइस को भी आप बिल्कुल निगलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा अभी। और अब क्या ही कह सकते हैं, अभी गाइस ऑफिशियली ये पबजी मोबाइल ने फेसबुक से अपने पोस्ट कर दी और साथ में पबजी मोबाइल के डिस्कॉर्ड चैनल, जो कि आपको पता है जो भी गेमर्स है वो डिस्कॉर्ड से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, उसमें भी उन्होंने पोस्ट कर दिया। और अपने पबजी मोबाइल लाइट में जो वैलेंटीन भाई हैं जो डिस्कॉर्ड के एडमिन, उन्होंने भी पोस्ट करके ये बता दिया कि कल से सर्वर को ऑफलाइन किया जा रहा है विथ प्रूफ एवरीथिंग उन्होंने लिख दिया। और मैं उसको कर लिया ट्रांसलेट और अभी मैं आपको उसमें से पढ़ के बता दे रहा हूँ उसमें क्लियरली क्या कुछ लिखा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो जो वैलेंटाइन भाई ने लिखा और जो फेसबुक पोस्ट थी और जो पबजी मोबाइल डिस्कॉर्ड चैनल पे भी पोस्ट किया गया, वो सारी चीज़ें सेम है। मीन्स एक ही को पोस्ट को कॉपी पेस्ट किया गया और मैं अभी आपको उसका गूगल ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ ये भी कि कभी अनबैन होगा, होगा भी कि नहीं होगा और कैसे होगा, क्या कुछ करना रहेगा। सो अभी मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। सो गाइस इस पोस्ट में क्लियरली लिखा है सभी को नमस्कार, पबजी की तरफ से 2 सितंबर 2020 यही वो दिन था गाइस, यही वो ब्लैक डेट था जहाँ पे पबजी को बैन कर दिया गया था अपने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के द्वारा। और वहाँ पे टेंसेंट गेम का जो दो गेम का डेवलपर पार्ट है उसका, पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट, उसका 30 अक्टूबर को समाप्त किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है पबजी मोबाइल को भारत में प्रकाशित करने का अधिकार पबजी बौद्धिक संपदा के मालिक को वापस कर दिया जाएगा, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा। मीन्स हम लोग के प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर रहे हैं और जो हमारे डेटा के बारे में बात कर रहे हैं उनका ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट का आदेश का भी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और इसका गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि कल से अपना गेम का सर्वर 30 अक्टूबर कल से जी गाइस टोटली क्लोज कर दिया जाएगा, गेम बिल्कुल ओपन नहीं हो पाएगा। अगर आप इंडिया के कहीं से भी ओपन करने की ट्राई करो और VPN लगा के खेलने का तो कोई सेंस नहीं बनता भाई, क्योंकि आप इसका मतलब क्लियरली आपका अभी तक तो भाई चलता था, चलो ठीक है मैनेजेबल आप चला रहे हो, वो चीज़ चल रही है, वो गवर्नमेंट को भी पता थी कि चल रही है, लेकिन अब वो चीज़ चल नहीं रही है। और आप अब भी अगर VPN से लगा के चलाते हो डैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं अपने देश से प्रेम नहीं, गवर्नमेंट के डिसीजन से प्रेम नहीं है। हाँ मेरे सारे लोगों को दुख है, मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरे को तो और भी दुख है, बट अब उस चीज़ को हम लोग खेल तो नहीं ना सकते क्योंकि अब VPN लगाओ डैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं पीठ पीछे कुल्हाड़ी मार रहे हो गवर्नमेंट के डिसीजन को। सो ये बिल मेरे नज़रिए से बिल्कुल भी सही नहीं है। कल अपना सर्वर बंद हो जाएगा, आप सुबह उठोगे तो देखोगे कि बंद पड़ा रहेगा या फिर रात तक तो होना ही होना है जब क्लियरली मेंशन है 30 अक्टूबर। और भाई विनर पास सीजन 18 क्या ही बोलें भाई, सब टाटा बाय बाय ख़त्म, सब ख़त्म हो गया, मिट्टी में मिल गया भाई, कुछ नहीं होगा अब। अब इंडियन तो भाई अब जो ही खेल रहे हैं भाई, मैं तो उनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है आप भी नहीं सपोर्ट करोगे। सो मेरा अब आगे क्या आप लोग पूछोगे, तो भाई और भी गेम है, फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फौजी आ रहा है जो इंडियन प्रोस्पेक्टिव के साथ आएगा और उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए और वो हम लोग करेंगे भाई। मेरा गेमर चैनल है, गेमिंग चैनल ना कि पबजी का चैनल है। सो हम लोग दूसरे में शिफ्ट होंगे भाई, एक नहीं है तो दूसरा रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, हम लोग दूसरे में जब भी बैन होगा शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बिल्कुल VPN को प्रमोट नहीं करूँगा उस टाइम पर, और मैं सबको मना कर रहा हूँ कि वो चीज़ आप बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल देश के विरुद्ध है और वो चीज़ करना सही भी नहीं रहेगा। हालांकि चलेगा आपका गेम VPN से, लेकिन वो चीज़ करना सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। हाँ दुख तो सबका है, लेकिन इस दुख का इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि आप खेल के करो,
बाकी हम लोग का चैनल चलते रहेगा, हम लोग दूसरे पे कंटेंट लाएंगे, आप जो बोलोगे उस पे कंटेंट आएगी, आपको जो देखना पसंद है अमोंग अस और भी कई सारी फनी गेम है जिनको आपको एंजॉय करने के लिए खेलना होता है वो ज़रूर खेलेंगे। बेसिकली गेम का काम ही एंजॉय दिलाना, एंटरटेनमेंट करना, वो पबजी नहीं करेगा कोई और करेगा, क्या दिक्कत है। सो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है, यही कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट देनी थी मेरे को आपको। बाकी आपका क्या ओवरऑल सजेशन है मेरे को ज़रूर बताइएगा इस बैन को लेके, मेरे को तो दुख काफ़ी है इस बात का, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के लिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता। प्लस जो भी हुआ मेरे को भी लगता है कि हाँ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे तो देखो तो सारी चीज़ में प्रॉब्लम है, अब क्या बोल सकते हैं। अब मैं उस टाइम पे एग्जांपल, ये तो ओवर ईटिंग आप कर लो, ज़्यादा खा लो फिर भी तो आपके लिए वो हानिकारक है, अब ज़्यादा खेलोगे तो भी तो हानिकारक है। हाँ मेरे को पता है वो खेलने से बैन नहीं हुआ, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपकी डेटा को चोरी नहीं करते थे, मीन्स बेचते नहीं थे, और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी क्यों, मतलब क्या ज़रूरत थी। ऐसे तो इनका आरोग्य सेतु ऐप भी खुद एक्सपोज हो गया, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकता मैं। अभी मेरे को बाद में लोग बोलेंगे तू देश के खिलाफ है, ये है वो है, भाई तो इससे अच्छा मैं क्या बोलूँ। अब खुद पब्लिक को डिसीजन आपको लेना है, सही हुआ गलत हुआ, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आपका क्या राय है ज़रूर से बता दीजिएगा। बाकी एक चैनल के बारे में मैं आपको बता दूँगा, रेंजर सॉरी पापा इज ओपी करके वो चैनल है, और उसको आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए, क्योंकि गाइज उस चैनल पे उन्होंने चैरिटी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वो अपने चैरिटी इकट्ठा कर अपने दादाजी के लिए, क्योंकि गाइज उनको कैंसर हो हुआ है और वो उससे जूझ रहे हैं, और उसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि गाइज उसके मम्मी पापा भी यहाँ तक नहीं है, और वो अकेले दादा दादी के साथ अपने घर में रहता है, और उसने सारी प्रूफ्स भी दिखाई है, तो आप उस पर ट्रस्ट करके आपको जो भी जितना भी आप ज़रूर से जाइए उसे डोनेट कर दीजिए। मैं उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ज़रूर से आप कुछ उसकी हेल्प कर दीजिएगा ताकि उसका भला हो सके और उसके दादा जी की ज़िंदगी बच सके। हम सब जी बी जे टोपी फैमिली की तरफ से यही दुआ रहेगी कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए और एवरीथिंग फाइन हो जाए, बस यही हम लोग आशा करते हैं, दुआ करते हैं। बाकी रेन पापा जो भी अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो बस खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, यही मैं बोलना चाहूँ। सो बस गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही था, मुझे उम्मीद आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इंस्टाग्राम की यूजर आईडी स्क्रीन पर शो करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जय हिंद, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। सो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और हो सके तो शायद मे बी एक न्यू कॉन्टेंट के साथ, मीन्स न्यू गेमिंग कॉन्टेंट के साथ और न्यू गेम के साथ। सो तब तक के लिए ज़रूर से चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो बस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था, मिलता है आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल डे हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।